हाँ जी, सो स्वागत है आपका ना मेरे छोटू से अहमदाबाद के ब्लॉग्स में। छोटू छोटू ब्लॉग्स मैं आपको दिखाती रहूँगी। सो 3 दिन आने के बाद तो मैंने फुल्ली आराम किया है अपने मायके में, और आई होप आप लोग समझ पाओगे जो मायके जाता है। तो आराम ही आराम था। उसके बाद मुझे क्रेविंग हो रही थी प्रॉपर गुजराती खाना खाने की। सो हमने सोचा कि बाहर जाते हैं। मेरे भाई ने ये जगह सजेस्ट की, वस्त्राल में आई थी ये, द ग्रैंड ठाकर। बहुत अच्छा प्लेस था यार, सीरियसली। आने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जब आई तो मुझे लगा यार मॉडर्न टच है, और मुझे पसंद होता है प्रॉपर गुजराती टाइप का। बट एम्बियंस इतना खूबसूरत था ना यहाँ यहाँ का। मेनू सारा कुछ लंच और डिनर का यहाँ पे फिक्स होता है। बाहर अगर ज़्यादा जगह अंदर फुल होती है ना, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। खटी होगी तो मेरे बच्चों ने बैंड बजा दी। उसके बाद हमने एंटर किया। जब हम अंदर गए ना यार, तो एम्बियंस वॉज वेरी नाइस, बट मुझे प्रॉपर गुजराती पसंद है और ये मेरे लिए थोड़ा मॉडर्न था। तो मुझे लगा ठीक है यार, थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ थाली होगा। बट भाई साहब, बैठने के बाद जब ये थाली मेरे हाथ में आई ना, एक तो सीज़न का पहला आमरस मैंने इधर खाया, हमारे गुजरातियों की भाषा में पहलो कैरीनो रस मैंने यहाँ पे खाया, और बहुत मज़ा आया। सीरियसली हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया है। मेरे बच्चों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पापड़, पास्ता और दही खाया है, लेकिन बहुत इन्जॉय किया दोनों ने। खाना ख़त्म करके हम लोग फुल पेट यहाँ से निकल गए थे। यही था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अहमदाबाद आने के बाद ना यार, मेरी खुशी ही अलग होती है, क्योंकि यहाँ की हवाएं ही कुछ अलग होती है। ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स ना मेरे को आपको अहमदाबाद के मैं दिखाती रहूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।